दोस्तों इस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं ड्रीम इलेवन वुमेन सुपर स्मैश टी ट्वेंटी सीरीज का आज का दिन का एक और शानदार मुकाबला के बारे में, जो खेला जाएगा वेलिंगटन विलेज वर्सेस सेंटेपरी मैजिशियंस के बीच में, यानी CMW वर्सेस WBW के बीच में। आपको बता दूं दोनों टीम ने दोनों मुकाबले खेले हैं, जिसमें सेंटेपरी मैजिशियंस की टीम से ना इनकी टीम ने ऑलरेडी दो में से एक वाला मुकाबला विन किया था और लास्ट मुकाबले इनकी टीम ने हारी है। बट जो सामने की टीम है वेलिंगटन विलेज की टीम से, यानी डब्ल्यू की जो टीम से, इनकी टीम ने दो मुकाबले खेले, दोनों के दोनों जीते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्योंकि दोनों टीम के बीच में ना एक हेड टू हेड वाला मुकाबला हुआ था। अब दो हेड टू हेड वाला मुकाबला हुआ था, जिसमें आप देखोगे वेलिंगटन विलेज की जो टीम था वहाँ पे 44 रन से विन किया था, हालांकि ज़्यादा स्कोरिंग नहीं बने थे, और सेंटेबरी मैजिशियंस की टीम का बहुत ज़्यादा विकेट गिरा, मतलब कंप्लीट अपने 10 विकेट गिरा दिए थे। तो गाइस क्या कुछ रहेगा बैटिंग ऑर्डर, हम डिसाइड करेंगे स्मॉली के पिक, ग्रैंडली के पिक, स्मॉली के डिफरेंट पिक प्लस ग्रैंडली के डिफरेंट पिक, स्टार्टिंग ओवर कौन करेगा, डेथ कवर कौन करेगा, वो भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा, प्लस लास्ट सीजन का स्टार जो भी था, प्लस बेंच भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेयर बैठे हैं, तो उसमें से भी कोई खेल सकता है, क्योंकि नाइट का मुकाबला होंगे सुबह को 2:30 बजे। तो भाई वीडियो का आप लास्ट तक वॉच करिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का आप एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। लास्ट टाइम का फाइनल टाइम फाइनल अपडेट आपको पता है कि टेलीग्राम पर मिलता है, तो करना कुछ नहीं, सिंपली आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे सीधे आपको टेलीग्राम पर लेकर आएगा, वहीं पे दिखेगा ज्वाइन वाला बटन, आप बिल्कुल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे ही नाम से बहुत सारे ऐसे चैनल बने जो फेंक हैं, तो मैं बोलूँगा आपको लिंक से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है, लिंक से ही जुड़ जाओ। मात्र ने मुकाबला टाइमिंग 2:40 में सुबह को मुकाबले होंगे, कल वेन्यू जो रहेगा वेन्यू अलग रहेगा, वहाँ से रिजर्व वेलिंगटन में स्थित है, विकेट आपको न्यूट्रली मानना है, वैसे वुमेंस के मैच में ज़्यादा रन नहीं बनते। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर मैंने इनका देखा, वेन्यू का स्टार्स 130 से 150 के बीच में स्कोरिंग बनते नजर आएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि भाई इन दोनों के बीच में ना एक हेड टू हेड मुकाबला हुआ था, जहाँ पे सेंटरबरी में जिसने की जो टीम था इनकी 10 विकेट गिरे थे और इनकी अच्छा खासा स्कोरिंग करी थी टीम ने, तो अच्छा खासा तरीका से विन करता हूँ 44 रन थे, ठीक है। उस वाला मुकाबला जो ओपनिंग कर रहा था ना सेंटरबरी में जिसने टीम की से नतालिया कॉक्स इनके साथ आए थे, यहाँ से अभिगैले जर्किन, बात करेंगे नतालिया कॉक्स की, राइट बैटिंग करवाता है, और पहले वाला हम करण देखो 7 रन करी थी, लास्ट रूम करती 3 नॉट आउट, हालांकि इनका प्लास इनका देखोगे स्टार तो 11 मैच में 157 रन था, 17 के एवरेज थे, गाइस बॉलर बढ़िया, हम स्मॉली की टीम में नतालिया कॉक्स को पिक करेंगे। उनके बाद आएंगे यहाँ से अभिगैले, जो आपको विकेट के पसंद में दिखेंगे, 0-0 रन करे थे एक मैच में, 14 रन तक ग्रैंड लीग पिक रहेगा, दोनों मुकाबले में इन्होंने 0-0 पे आउट हुई। उनके बाद आएंगे वन डाउन एमी, 17 विकेट, लेफ्ट एम बैटिंग राइट एम ओपरे बॉलिंग, पहले वाला मुकाबला देखोगे 15 रन करते और एक विकेट निकाल दी 4 ओवर डाल के, लास्ट मुकाबला 9 रन करी थी और एक विकेट निकाल दी 3 ओवर डाल के, लास्ट इनका बेस्ट है 2 के 11 मैच में 364 रन था, प्लस 8 विकेट भी था, तो स्मॉली की टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आप इनको भी कर सकते हो, बहुत ही मस्ट पिक रहेगा, मस्ट सी एंड विजिट का भी अवसर रहेगा, क्योंकि अपने कोटे के डेथ में करवा दिए। उनके बाद वन डाउन आएगी यहाँ से फ्रांसिस मकाउ, टीम के कैप्टन है, राइट एम बैटिंग करवाते हैं, राइट एम ओपरे बॉलिंग करवाती है, पहले वाला मुकाबले 41 नॉट आउट, 3 विकेट 4 ओवर डाल के, लास्ट मुकाबले 14 रन 2 विकेट 4 ओवर डाल के कंप्लीट अपने कोटे का चार करवाती ही करवाती है। आप इनका लास्ट सीजन का स्टार दोगे तो 11 मैच में 208 रन था और 20 विकेट भी था बॉलिंग से, बहुत ही गजब का प्लेयर भी है, आप इनको 7वीं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप जा सकते हो। उनके बाद आए थे जसिंता सेवागे, जो राइट एंड मीडियम करवाते हैं, राइट एंड मीडियम में भी है, पहले वाला मुकाबले में 17 रन करी थी, 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी, विकेट लेस गई थी, लास्ट मुकाबले में 13 रन 0 विकेट 2 ओवर डाल के, आप इनका लास्ट रन का स्टे दोगे तो लास्ट रन में कुछ खास मतलब परफॉर्म नहीं करी थी, उतना विकेट टेकर बॉलर है नहीं, बट बॉलिंग करवाती है ओवरऑल बढ़िया। उनके बाद आएंगे लिया ताहू, राइट एंड मीडियम करवाते हैं, राइट एंड मीडियम फर्स्ट बॉलिंग करवा लेती है, और देखो पहले वाला मुकाबले में यहाँ पर करवाई थी 0 रन, लास्ट मुकाबला 40 नॉट आउट, पिक रहेगा बढ़िया, बॉलिंग भी करनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं बॉलिंग कर रही है, 9 मैच में 54 रन था और 8 विकेट पर 28 ओवर डाल के, ठीक है, तो बॉलिंग कहीं ना कहीं करनी चाहिए, टीम के मेन बॉलर भी हैं। उनके बाद आएंगे एलिन मैक, जो आपको सिर्फ फील्डिंग करवाता नजर आएंगे, 12-22 मैच में 116 रन डोमेस्टिक T20 में, कुछ खास बॉलर है नहीं छोड़ेंगे। कैट सिम्स के बारे में बता दो, पहले वाला मुकाबला 4 रन, लास्ट मुकाबला इन्होंने सिर्फ 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी, ग्रैंड लीग ही पिक रहेगा, लास्ट में 4 मुकाबले खेले थे जहाँ पर 9 ओवर की बॉलिंग कराई थी, सिर्फ 2 ही विकेट मिला था। उनके बाद ऐसे मेलिसा बैंक्स आएंगी, जो राइट एंड मीडियम करवाते हैं, राइट एंड मीडियम प्रेशर बॉलर है, पहले वाला मुकाबला बैटिंग से 1 रन करी थी और 1 विकेट निकाली थी 3 ओवर डाल के, लास्ट मुकाबला कंप्लीट 4 ओवर डाले 2 विकेट निकाली थी। अब इनका लास्ट इनका T20 का स्टार दोगे तो 8 मैच में 4 रन था और 8 मैच में 3 विकेट था, 6 ओवर डाल के, राइट एंड मीडियम प्रेशर बॉलर है,
बैंक्स को पिक करके चलेगा, विकेट हर बार निकालती है। उनके बाद यहाँ से जेसिका सिमोन्स आएंगे जो राइट मीडियम पेसर बॉलर है। इनका आप डोमेस्टिक वनडे का देखोगे स्टेट तो 4 मैच में 4 विकेट था और रिसेंट दोनों मुकाबले में 2-2 ओवर की बॉलिंग कराई थी, ग्रैंडली कहीं पिक रहेगा। उनके बाद आएंगे सरा असमुसेन जो राइट मीडियम करवाते हैं, लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग करवा लेती है। लाइसेंस देखोगे तो 7 मैच में 17 ओवर था, 5 विकेट निकाली थी, दोनों मुकाबले इन्होंने बॉलिंग कराई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अपने कोटे का नाथ डेथ में डलवाते, मतलब 18 और 20 ओवर डलवाती, इसलिए बार बार इनको विकेट मिलता भी है। पहले वाले मुकाबले में 1 विकेट, लास्ट मुकाबले में 2 विकेट, स्मॉली की टीम में लेकर चलिएगा। देखो अपने इस टीम से ना नतालिया को उसको पिक करेंगे, एमी को पिक करेंगे, स्मॉली की टीम में फ्रांसिस मेकाओ को पिक करेंगे। उनके बाद सीधे यहाँ से आप इनके साथ जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। और वहाँ से आएंगे मेलिसा बैंक्स के साथ जाएंगे और यहाँ से सारा को मैं पिक करूँगा। तो बात करेंगे स्टार्टिंग ओवर, स्टार्टिंग ओवर आप देखोगे मतलब 2-2 ओवर डालते हैं, मेलिसा डालते हैं 2 ओवर और 2 ओवर डालते हैं जेसिका ने। डेथ में फ्रांसिस मेकाओ और यहाँ पे सारा डाली थी। तो गाइज मेलिसा बैंक्स जेसिका आपके लिए डिफरेंशियल रहेगा, बट फ्रांसिस और यहाँ पे सारा आपके लिए एक मस्ट पिक रहेगा। उनके बाद जो भी मैच बैठे हैं प्लेयर्स, हमने सबका नाम लेकर सबका स्टेटस लिखा है, तो इसमें से भी कोई खिलवाती है लास्ट टाइम है तो बता दूंगा टेलीग्राम पे, जब आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो भाई जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ से बात करेंगे वेलिंगटन ब्लेस की, जो पहले वाला मुकाबला विन किया था और यहाँ पर भी देखोगे विन किया था, मतलब अच्छा खासा अभी प्लेयर है। आप स्मॉली की टीम है ना, इनको भी ले सकते हो, ठीक है। इनके जो मेन ओपनर है रेबिका बर्नस है और इनके साथ आएंगे यहाँ से जोर्जिया प्लीमर। बात करेंगे रेबिका बर्नस की, राइट एम बैटिंग करवाती है, राइट एम ब्रेक बॉलिंग करवाती है। पहले वाला मुकाबले में एक रन, लास्ट मुकाबला 14 रन कराया था। आप इनका देखोगे लास्ट सीजन का तो 9 मैच में सिर्फ 96 रन तक, ग्रैंडली के पिक रहेगा, उतना इंपोर्टेंस है नहीं। उनके बाद आएंगे जोर्जिया प्लीमर जो पहले वाला मुकाबला 34 रन, लास्ट मुकाबला बहुत जल्दी आउट हुई थी, लेकिन ओपनिंग मोस्ट प्रोबली करेगी, आपके लिए डिफरेंट रहेगा। उनके बाद एमेलिया कह रहेंगे, राइट एंड बैटिंग करवाती है, लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग करवा लेती है, बहुत ही गजब का प्लेयर है। पहले वाला मुकाबला 71 रन 4 विकेट 4 ओवर डाल के, लास्ट मुकाबला 62 रन 1 विकेट 4 ओवर डाल के, जैसे मोहली की टीम में हम आंख बंद करेंगे, इनको कैप्टन करेंगे। लास्ट दिन का स्टेट दोगे तो 12 मैच में 361 रन था, +14 विकेट था। हम स्मॉली की टीम में इनको भी कैप्टन करेंगे। मैडी ग्रीन बहुत ही गजब का प्लेयर है, टेक्निकली थोड़ा बैट्समैन आप कह सकते हो। लास्ट दिन 12 मुकाबले खेले थे, 264 रन करी थी, बट इस वाला दोनों सीजन में ना मतलब दोनों मैच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है। प्लेयर बढ़िया है और बॉलिंग भी जहाँ तक करवाई थी लास्ट सीजन। उनके बाद आएंगे कास्प्रेक जो राइट एंड बैटिंग करवाते हैं, राइट एंड ओवर बॉलिंग करवाती है। पहले वाला मुकाबले 28 रन 1 विकेट 4 ओवर डाल के, लास्ट मुकाबले 60 नॉट आउट 2 विकेट 3 ओवर डाल के, टीम का अच्छा खासा बैट्समैन भी है और अच्छा खासा बॉलर भी है। स्मॉली की टीम में आप इनको भी बीसी बिल्कुल भी कर सकते हो। उनके बाद आएंगे थैमसन न्यूटन, पहले वाला मुकाबला 2 विकेट निकाली थी, 2 ओवर डाली थी, लास्ट मुकाबला 4 नॉट आउट करा था। लास्ट सीजन का देखोगे तो 12 मैच में सिर्फ 7 विकेट था और 12 मैच में 84 रन था। नीचे खिलवाती है स्मॉली की टीम में छोड़ेंगे जेसिका मैक फेडन जो सिर्फ आपको फील्डिंग करते नजर आएंगे। लास्ट सीजन 12 मुकाबले खेले थे, सिर्फ 2 रन करी थी। स्मॉली कहीं पिक नहीं रहेगा, ग्रैंडली के पिक रहेगा। कैथलिन किंग पहले वाला मुकाबले में 1 नॉट आउट बॉलिंग नहीं करवाई थी, लास्ट मुकाबले 3 ओवर 3 विकेट निकाले थे। लास्ट सीजन भी सिर्फ इन्होंने बैटिंग ही करवाया था। जेटली के बारे में बता दूँ, 2 विकेट निकाली थी पहले वाला मुकाबले में, लास्ट मुकाबले में 1 विकेट निकाली थी, दोनों मुकाबले अच्छा खासा बॉलिंग करवाई है। लास्ट सीजन 10 मुकाबले खेले थे जहाँ पर 6 विकेट निकाला था। प्लेयर भी बढ़िया है, नतासिया कोडेरे इन्होंने भी 2 ओवर 1 ओवर डाले, ग्रैंडली के पिक रहेगा। मनिका सिंह टीम के मेन विकेट टेकर बॉलर है और डेथ में डलवाती है, 1 विकेट निकाली थी, प्लास्ट मुकाबले 3 विकेट निकाली थी, 12 मैच में 37 ओवर था, लास्ट सीजन 6 विकेट था। देखो आपने इस टीम से ना रेविका वर्नास और इनमें से किसी को एम एल ई कर को रेगुलर पिक करेंगे। उनके बाद यहाँ पे मैडी ग्रीन को पिक कर सकते हो, कास्प्रिक बहुत ही गजब का प्लेयर है। उनके बाद सीधा नीचे उतर करके आएंगे और नीचे उतर के जेटली को पिक करूंगा और यहाँ से इनको पिक करेंगे। स्टार्टिंग ओवर मानिका सिंह डलवाती है डेथ में, जेटली और यहाँ पे कास्प्रिक डलवाती है। बेस्ट में जो भी बैठा पड़ा है, सबने सबका नाम लिखा है, सबका स्टार लिखा है, तो कोई शक नहीं, कोई भी खेल सकता है। वो चीज़ हम लास्ट टाइम में डिस्कस करेंगे जब आप टेलीग्राम पे आएंगे, तो भाई जुड़ जाना। बात करें विकेट की पसंद से, मैक फाइडन है, इनके साथ ही जाना पड़ेगा। चलो इसके लिए अभी छोड़ते हैं, आएंगे बैटिंग सेक्शन में नतालिया कॉक्स को पिक करेंगे। उनके बाद जैसमिन मैडी ग्रीन बहुत ही गजब का प्लेयर है, ठीक है। प्लीमर भी ओपनिंग करवाती है तो इनके पास जा सकते हो, रेबिका बर्नस भी ओपनिंग करवाती है, अभी के लिए मैं इनको लूँगा। उनके बाद आप इनको भी ट्राई कर सकते हो इनकी जगह पे, कोई शक नहीं। ऑलराउंडर से मैं मेलिया कौर को पिक करेंगे, फ्रांसिस मेकाओ को पिक करेंगे, एम एस अदरवेड और यहाँ पे इनको सोफिया डेविन खेलेगी ना, तो भाई बहुत ही गजब का प्लेयर है, आँख बंद कर कैप्टन करेंगे। बॉलिंग सिस्टम में कास्प्रिक मनिका सिंह इनको पिक करेंगे, जेटली भी बढ़िया रहेगा, मेलिसा बैंक्स को पिक कर रहे हैं, ठीक है। इन बाद इनके आते हैं और ये मेलिया का मेरा कैप्टन रहेगा, फ्रांसिस मेकाओ मेरा वीसी रहेगा। आप यहाँ पर 1-2 चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे प्लीमर को रख सकते हो,
किंग्स के जगह पे कोई शक नहीं, या फिर इनके जगह पे मैडी ग्रीन को ले सकते हो। तो भाई ये चेंज करने के लिए बिल्कुल भी कर सकते हो, मैंने बता दी कि क्या क्या चेंज करना है, पूरी पूरी सेफ टीम बनाए। लास्ट टाइम मैं टेलीग्राम पे दूंगा जो भी मेरा टीम होगा आपके लिए, तो जुड़ जाना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उम्मीद करता वीडियो पसंद आया, लाइक मैं जरूर कर देना। बेस्ट ऑफ लक।